फ्रेंड्स, अभी पैन कार्ड बनाइए मैगी से भी जल्दी। आप लोग अगर कोई पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम लोग इस वीडियो में दिखाए हैं कैसे ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल को यूज करके पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रसन्न हिंदी टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप से क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। अगर मोबाइल से करते हैं तो जो पेज है वो डेस्कटॉप साइड में सिलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइड में सिलेक्ट हो जाने के बाद सर्च बटन में आइए और टाइप कीजिए ई फिलिंग और सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो पेज आएगा उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है पैन। इस पैन ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। पैन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका जो ई फिलिंग का वेबसाइट का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज में देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट ए न्यू पैन। इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। गेट ए न्यू पैन ऑप्शन में चलिए क्लिक करते हैं। गेट न्यू पैन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन में रोकते न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा पैन बनाने के लिए आपको 5 स्टेप को क्रॉस करना होगा। सबसे पहले जो स्टेप मिलता है यहां पर आपको पैन बनाने के लिए आपका आधार नंबर टाइप करना जरूरी है, जो कि आपके आधार नंबर पर कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा आधार नंबर टाइप हो चुका है। उसके बाद जो कैप्चा है वो भी टाइप हो चुका है। नीचे ऑप्शन मिलता है आई कॉन्फर्म दैट, इसमें आपको टिक मार्क कर देना है। इसमें टिक मार्क करने के बाद आपको गेट आधार ओटीपी में क्लिक करना होगा। जेनरेट आधार ओटीपी में क्लिक करना होगा। जेनरेट आधार ओटीपी में क्लिक करने के बाद आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें तो ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको इस ऑप्शन में, इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर प्लीज एंटर आधार ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और मेरा ओटीपी टाइप भी हो चुका है और नीचे दिया हुआ आई एग्री, इसमें आपको क्लिक करना होगा और वैलिडेट आधार ओटीपी एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक करना होगा। तो देखिए कंटिन्यू बटन में क्लिक करने बाद और एक तो न्यू पेज ओपन हुआ है इस टाइप का। इस पेज में आपका आधार में जितना भी डिटेल्स दिया होगा पूरा डिटेल्स यहां पर आपको शो करेगा। यहां पर सब कुछ देख लेने के बाद नीचे हम लोग को ऑप्शन मिलता है आई एक्सेप्ट दैट, इसमें आपको टिक मार्क करना होगा और नीचे ऑप्शन मिलता है सबमिट पैन रिक्वेस्ट, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद और एक तो न्यू पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा थैंक यू, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स। यहाँ पर आपका डिटेल्स वैलिडेट हो चुका है और यहाँ पर आपको पैन रिक्वेस्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन में शो करेगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है प्लीज़ चेक द स्टेटस ऑफ पैन अलॉटमेंट रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग चेक स्टेटस, इसमें चेक स्टेटस में क्लिक करना होगा आपका जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए। तो इसमें क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा इस टाइप का, जहां पर आपको आपका आधार नंबर टाइप करना होगा, कैप्चा कोड टाइप करना होगा और सबमिट बटन में क्लिक करना होगा। तो चलिए मेरा ये सब कुछ टाइप हो चुका है, अब सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें फिर से एक तो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो देखिए मेरा ओटीपी टाइप हो चुका है। इसके बाद ओटीपी टाइप हो जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट, इस सबमिट बटन में आपको क्लिक कर देना होगा। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पैन, इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड होगा वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, जो कि एक पीडीएफ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पीडीएफ में आ जाने के बाद आपका जो पैन कार्ड होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा पासवर्ड के साथ। तो ये पासवर्ड क्या होगा, ये तो आप पासवर्ड नहीं जानते, लेकिन ये जो पासवर्ड होगा इसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होगा। आपका फुल डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा। आपका फुल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा और ओपन बटन में क्लिक कीजिएगा। ओपन बटन में क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड होगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन में शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।